देवास में बांगली तहसील के बेहरी गांव में दूध सप्लाई करने वाले 200 किसानों को बोनस बांटा गया। दुग्ध सहकारी समिति ने समारोह का आयोजन कर किसानों को करीब 12 लाख रुपए की राशि वितरित की। मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल शामिल हुए थे। इस दौरान अध्यक्ष पटेल ने 11 मार्च से दूध के भाव बढ़ाने की भी घोषणा की, साथ ही किसानों के हित में अन्य कई घोषणाएं की गयी। संभाग की अगर हम बात करें तो 10 लाख किसान हमारे दूध का व्यवसाय करते होंगे। जैसे हम 30 पैसे बढ़ाएंगे तो हमारे किसान भाइयों और प्राइवेट वाले भी 6 रुपए 30 पैसे और 6 रुपए 30 पैसे से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। तो आप और हम सब मिलकर परोपकार का भी काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपको हमारी सुनता है। जो परोपकार का जो काम करता है उसके लिए ईश्वर देखता है, तो निश्चित ईश्वर बहुत जल्दी कोरोना को खत्म करेगा। और इसी वर्ष में हमारा ये प्रयास रहेगा, अगर जाते जाते आखिरी में हम वापस 7 रुपए भाव को छोड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। संघ और दुग्ध समिति अगर मुनाफा कमाती है उस मुनाफे में से वापस अपने किसान भाइयों को देती है। और ये आपने आज देखा, आपके सामने बहरी दुग्ध समिति ने लगभग 12.5 लाख रुपए का जो बोनस है अपने किसान भाइयों को दिया। और वही दूध क्रय की भाव तो हमने हमारे संचालक मंडल का और सबका ही निर्णय हो गया है कि 11 मार्च से हम किसान भाइयों के लिए 6 रुपए 30 पैसे का दूध का क्रय भाव कर देंगे।